माय चैनल, मैं हूँ आशा। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ मेट्रो पे, और ना मैंने अपना स्टेशन मिस कर दिया तो अब मैं रिटर्न का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, मेट्रो बस थोड़ी देर में निकलेगी, फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँचूँगी, वहाँ से मुझे फिर चेंज करनी है और फिर मैं पहुँचूँगी घर, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी तो बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ। आई होप अच्छा। अभी आप देख सकते हो पूरी मेट्रो खाली है, कोई भी नहीं है। वैसे मेट्रो में अलाउड नहीं होता, फिर भी मैं बना रही हूँ, तो इसी मेट्रो वीडियो को लाइक कर देना। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो मेट्रो के अंदर का नज़ारा, और ये है एयरपोर्ट वाली। मैं आ गई हूँ घर और अभी बन रही है पूरी घर पे। पूरियाँ बन रही है घर पे, बहुत भूख लग रही है मुझे। अभी तो मैं खाऊंगी चाय, और सब्जी नहीं है, बस पूरियाँ तल ली और अचार के साथ, या ना दाल पड़ी है वो खा लेंगे। सब्जी फिलहाल को भी कुछ बनाएंगे, या देखते कुछ बना लेंगे, तो बहुत भूख लग रही है। और मैं किसी काम से गई थी, वो काम मेरा 50-50 हुआ है, आधा हो गया आधा नहीं हुआ। और ये देख सकते हो साबूदाना का पापड़। गाइज गुड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हो चुकी है। ज़्यादा कल नहीं शूट किया, ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि थक गई थी, खाना वाना खा लिया था। तो अब हो गई मॉर्निंग यानी नेक्स्ट डे, और अभी है छुट्टी का दिन। काफ़ी लेट व्लॉग बना रही हूँ और बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ डोसे के, इडली और डोसे का जो बैटर होता है ना, उसकी तैयारी। तो दाल और चावल जो थे वो मैंने भिगो लिए थे, अब मैं इसको पीस लूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हो अब दाल, ये है उड़द दाल जो हम जिसका बैटर बनाएंगे। ये है चावल, अभी इसको हमें पीसना है, फिर हम इसको खट्टा पीसेंगे और बैटर बनाएंगे। मैं हो गई रेडी नहा दूँगी जैसे आप देख सकते हो, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा मार्केट में जाके सामान वामान लेके आते हैं। तो सोचा सांभर भी बनाए लेते हैं, तो सांभर के लिए ना सामान था तो थोड़ा सा लेके आते हैं मार्केट, तो चलिए चलते हैं, बनी रहिए वीडियो पर। फ्रेंड्स यहाँ हो गई बच्चों की स्कूल की छुट्टी, ये देख सकते हो कितनी भीड़, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। तो फाइनली हमने ले लिया है सामान सब्जी, मैंने ज़्यादा आपको दिखाया नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और अब मैं जा रही हूँ घर, चलते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ये देख सकते हो खाएगी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो चाउमीन वाले भैया बना रहे हैं चाउमीन, और जो ये आप देख सकते हो कैसे अभी मैं खा रही चाउमीन, आज बहुत दिनों के बाद खा रही, तो चलिए चाउमीन खाता हूँ। बहुत ना स्पाइसी वाली बनवाई है मैंने, तो ये आपके लिए। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, तो गुड इवनिंग फिर से। बहुत देर के बाद ब्लॉग बना रही, खाना वाना खा के मैं सो गई थी मस्त से। तो छुट्टी का दिन था तो ऐसे ही देख सकते हो, बस नहा धोली थी, तो अब देख सकते हो पूरी हालत कैसी हो रही है। तो अभी मैं बनाने वाली, जैसे कि आज मैंने बताया था, मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन। तो डोसा बनेगा, इडली बनेगा, सांभर बनेगा एंड नारियल कोकोनट चटनी। तो सबसे पहले सांभर की तैयारी कर दी है, जो तूर दाल होती है अरहर की दाल को उबाल दिया सब्जियों के साथ, एंड इमली को भिगो दिया है, और जो कोकोनट था वो, और ये मैंने चने की दाल यूज़ की है यहाँ पे, और क्योंकि मेरे पास ना जो भुना हुआ चना था वो नहीं था, तो हम चने की दाल से भी बनता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, तो हम उससे बनाएंगे। तो मैं रेसिपी पूरी डिटेल में तो नहीं बना रही क्योंकि ब्लॉग है, अगर आपको डिटेल्स वाली वीडियो चाहिए तो चटनी की, कोकोनट चटनी मेरी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो। नहीं तो अगर दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा बना दूँगी, तो ठीक है। तो चलिए बनाते हैं कोकोनट चटनी। ये आप देख सकते हो, ते हैं नारियल, अदरक का टुकड़ा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और ये दाल है, ये पानी है, और ये नमक है, और ये है मिक्सी का जार। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये दाल, सबसे पहले दाल को पीसेंगे, देख सकते हो इसको मैं इस तरह से उड़ा दूँगी उसमें, यहाँ मैं दो हरी मिर्ची डाल दूंगी, और ये मैं दो अदरक का टुकड़ा ये भी डाल दूंगी, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे देख सकते हो, ठीक है। और अब हम डालेंगे सॉल्ट, ये सॉल्ट है ये देख सकते हो,
सकते हो, नमक स्वाद अनुसार, ठीक है। वही समथिंग वाटर ये देख सकते हो, अब लिड लगा के इसको पंग बन। तो फ्रेंड्स बनाते हैं चटनी, ये देख सकते हो, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ये देख सकते हो। अब हम डालेंगे अपना कोकोनट, जल्दी से बना लेते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हम बन और पीसते हैं। तो फाइनली मेरी चटनी बन चुकी है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। फ्रेंड चटनी बन गई, अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा रही हूँ चटनी के लिए तड़का। तो ये है कड़ी पत्ता, राई, चना दाल और थोड़ी सी उड़द दाल, हाफ हाफ टीस्पून, और ये थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, आप चाहो तो पैन लो। मेरे पास ये कढ़ाई पहले की पड़ी थी, मतलब ऑयल वाली, तो मैंने इसको थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। अब सबसे पहले इस पर दाल डालेंगे, ये आप देख सकते हो, थोड़ी सी पॉपअप हो जाए। और आप अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, अगर आपके पास है तो आप वो डाल दीजिए, और थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। अब ये देख सकते हो दाल थोड़ी सी पॉपअप हो गई है, यानी अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, साउथ इंडियन इसके बिना अधूरा। अब इसको हम जल्दी से ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी चटनी के, चटनी को ना जल्दी से आप ढक दो उसके बाद। अब हम बनाने वाले हैं इडली, आप देख सकते हो, और ये है इडली के सांचे, इसे भी आप देख सकते हो, इडली के सांचे हैं, और इस पर मैंने डाला है बैटर। और इडली को हम अब 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, वो तो आपको आता ही होगा, पहले डबल बॉयलर जो होता है। और ये बनाएंगे आप प्रेशर कुकर में बना सकते हो, ये मैं देख सकते हो। तो हम बना रहे हैं इडली। तो फ्रेंड्स ये मैंने जार, ये जो इडली के सांचे होते स्टैंड, तो ये मैंने कर लिया है, ये मतलब 12 से 15 मिनट का टाइम लगता है स्टीम होने में। और ये मैं बना रही हूँ एक टाइम पे 8 इडलियाँ बन रही है, और मैंने डोसा भी बनाया था तो आप देख सकते हो। और ये पानी था, हम कुकर में बना रहे हैं, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। और ये हम लगा लेते हैं प्रेशर, सीटी को हम हटा देंगे। अब ये आप देख सकते हो गर्मा गर्म सांभर इडली चटनी एंड डोसा तैयार है एकदम खाने को। तो चलिए अब खा लेते हैं। फाइनली बन गया है इडली डोसा सांभर और चटनी, ये आप देख सकते हो, ये है कंप्लीट मील और बहुत ही हेल्दी एंड पौष्टिक भी होता है। तो फाइनली मैं खाते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, बहुत टाइम हो जाता फिर इसलिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, पता नहीं अब मैं कंटिन्यू रखूँगी या नहीं। और अगर वीडियो को अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मैं खा लेती हूँ खाना, चलिए खाना खाते पहले। तो ये देखिए डोसा को तोड़ते हैं एंड चटनी, दिस इज तो चलिए खाना खा लेते हैं। ये वेरी नाइस, बहुत अच्छी बनी है। ये मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब लोग इडली और चटनी और सांभर भी। चलिए वीडियो को इसी में एंड करती हूँ। वेरी नाइस, तो मिलती हूँ आपसे बाद में।